Hello friends, welcome again in my YouTube channel. So in this video I'm going to tell you about the significance of transpiration. In my last video I have told you about the transpiration overview. So in this video we will discuss only why transpiration is important. Okay, so we are going to discuss on this point only. So let's start with transpiration. If we are going to discuss, so first this is very important to understand what is transpiration. As I told you already in my last video, that transpiration is a excessive water loss from the anal part of the plant. Okay, so in this video I am going to tell you point wise. So what is the significance? First significance is it will help in absorption of water. If there will be no transpiration process, there will be no water absorption. So point wise you can write in your notes, absorption of water, you can say like this, transpiration influences the rate of absorption of water from the soil. Agar jaise jaise transpiration ka rate badhega, absorption of water bhi soil se badhta jayega. Dusra point hai hamara water movement. To agar hum log water movement ki baat kare, to water movement jo hamara hoga with the help of transpiration, hum log iski baat kare. तो वाटर मूवमेंट होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, इसको मैं डिलीट करती हूँ, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, हियर विल बी वाटर मूवमेंट. सो अगेन आई एम गोइंग टू राइट वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट. सो बाय ट्रांसपिरेशन वाटर मूव्स अपवर्ड. आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. यस, in last video, yesterday I have posted only. So in that video you can see what is the process of ascent of transport. So water move upward as it passes into the cell vacuoles, it makes the cell turgid. जैसे जैसे water ऊपर जाएगा तो cells कैसे हो जाएंगी, turgid हो जाएंगी. और turgidity flaccidity मैं already अपने कुछ पहले के videos में बता चुकी हूँ. अगर आपको turgidity और flaccidity concept नहीं clear है तो आप please हमारे उस video पे जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तभी आपको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस समझ में आएगा. और इसकी वजह से वाटर के मूवमेंट की वजह से ही पूरे सेल को शेप देता है वाटर मूवमेंट एंड टू द प्लांट एज अ होल. थर्ड पॉइंट हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मिनरल साल्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है. अगर हमारे पास ट्रांसपिरेशन नाम का प्रोसेस नहीं होता तो हम लोग मिनरल साल्ट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर पाते. देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी मैं क्लियर कर रही हूँ इस पॉइंट को. जैसे जैसे वाटर मूव जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इट विल कैरी द डिसॉल्व मिनरल्स, कुछ मिनरल्स अपने साथ लेकर जाएगा. ओके, एंड आपको पता है वो मिनरल्स प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट. इस तरीके से जो प्लांट होगा उसमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा. अगला पॉइंट अगर हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखें, इट विल प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट एंड this process of cooling, and this process is very important. You can mark this as important. The transpiration basic function is to provide cooling effect. What happens during stress? I think you all know ki plant ko bhi stress se guzarna padta hai, aur wo heat stress bhi ho sakta hai, water stress bhi ho sakta hai, aur wind bhi ho sakta hai, fire bhi ho sakti hai, kaisa bhi stress ho sakta hai. Yahan pe hum log heat stress ki baat kar rahe hain. क्या होगा कि जब वाटर बहुत ज्यादा एवापोरेशन की प्रोसेस होगी, उससे क्या होगा कि प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा. जब एक्सेसिव हीट होगी तो वाटर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपायर होगा, एवापोरेट होगा फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड दिस विल प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट. और लास्ट पॉइंट हम लोग स्टूडेंट्स ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन में, दैट विल बी प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट इंजरी. ये हमारा हीट इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट इंजरी. जैसे कि आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस, वो क्या करते हैं अपने पास वाटर को रिटेन रखते हैं, क्योंकि जितने भी ज़ेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, ज़ेरोफिटिक प्लांट का मतलब जो डेजर्ट एरिया में मिल रहे हैं, वो वाटर को अपने पास खट्टा रखते हैं जस्ट टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. और इस वजह से प्लांट जो है हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग सनलाइट से अपने आप को बचा लेते हैं. इसी वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और बताना चाह रही हूँ.
जैसे कि आपको मैं बताऊं कि जो ट्रांसपिरेशन है वो अगर इवापोरेशन से डिफर किया जाए तो ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन दोनों में ही वाटर लॉस हो रहा है, बट इवापोरेशन में वाटर बॉडीज से वाटर का लॉस हो रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, मीन्स जो प्लांट में इवापोरेशन प्रोसेस हो रहा है उसको ट्रांसपिरेशन बोल दिया गया है, एंड इट विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगी और उसका हमारा टॉपिक होगा फैक्टर्स विच इफेक्ट ट्रांसपिरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मीन्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, वो सेपरेट में वीडियो बनाने वाली हूँ दोस्तों। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी रहेगा क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। एज यू ऑल नो वी आर मेकिंग दिस वीडियो सीरीज स्पेशली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आपसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहें, देन ओनली यू कैन स्कोर फुल मार्क्स और 100% मार्क्स इन योर सब्जेक्ट। सो कीप योर कंटेंट रिवाइजिंग एंड फॉर योर जस्ट ओवरव्यू रिविजन यू कैन गो थ्रू माई चैनल। आई हैव पोस्टेड ऑल द वीडियोज फ्रॉम स्टार्टिंग चैप्टर्स, starting from the cell division and cell cycle I have posted. So you can watch my videos, that will help you for your quick revision. So I hope, thank you friends, we will meet soon. Once again, thank you for your continuous support and continuous listening me. Okay friends, bye, take care.